नेताओं ने हरदम रखी है पद की मर्यादा, बस आंखों ही आंखों में कर लेते हैं आधा आधा। किसी शायर ने ये शेर आज की राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए लिखा होगा। इसकी वानगी भिंड जिले में देखने को मिली है। भिंड जिले की सांसद संध्या राय ने एक ऐसे कॉलेज में कक्ष निर्माण के लिए 25 लाख रुपए सांसद निधि से मंजूर किए हैं, जिसमें कक्ष निर्माण कई वर्ष पहले हो चुका है। दरअसल योजना कार्यालय में तैनात बाबू राजेश गुप्ता की पत्नी के नाम इटावा रोड पर संचालित स्वामी विवेकानंद कॉलेज में पहली मंजिल पर एक कक्ष निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसमें हैरानी की बात तो यह है कि ये कॉलेज पहले से ही 3 मंजिला बना हुआ है, जिसकी डायरेक्टर योजना मंडल कार्यालय में तैनात चर्चित बाबू की पत्नी स्वयं है और वो समिति की सचिव भी हैं जो इस कॉलेज का संचालन करती हैं। उन्हीं के नाम से अनुबंध भी हुआ है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में सभी सांसदों से सांसद निधि का 30% प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करने के लिए आह्वान किया था, वहीं भिंड जिले की सांसद संध्या राय के द्वारा कोरोना काल में 25 लाख रुपए की सांसद निधि एक निजी शिक्षण संस्था के लिए देना बड़े सवाल खड़े करता है। सांसद के द्वारा जिले में संचालित एक निजी संस्था पुष्प समाज कल्याण और जिला शिक्षा प्रसार समिति के नाम से 25 लाख की अनुशंसा के लिए भिंड कलेक्टर को पत्र लिखा है। यह अनुशंसा पत्र 18 मई को लिखा गया और 24 जुलाई को राशि भी स्वीकृत हो गई। जबकि रोचक बात यह है कि संस्था निजी स्वामित्व की है, जिसमें डायरेक्टर कोई और नहीं, जिला योजना और सांख्यिकी कार्यालय में पदस्थ ग्रेड 3 के बाबू की पत्नी अंजू गुप्ता है। और मजे की बात तो यह है कि जिस निजी संस्था को प्रथम तल पर कक्ष निर्माण के लिए राशि की अनुशंसा की गई है, वहां निरीक्षण भी नहीं किया गया है, जबकि वहां 3 मंजिला इमारत पहले से ही बनी हुई है। इतना ही नहीं, बात रसूख की जाए तो उस एक बिल्डिंग में एक नहीं 3-3 शिक्षण संस्थान धड़ल्ले से चल रहे हैं। योजना मंडल में तैनात बाबू की पत्नी की संस्था पर सांसद की इतनी मेहरबानी की वजह तो वही जाने कि उन्हें अंधेरे में रखा गया है या उन्हें जानबूझकर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने की कोशिश की है। जो बजट जनता की भलाई और कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए, उसे निजी स्वार्थ में खर्च करने की अनुशंसा जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जाएगी तो उस जनता का क्या होगा जिसने वोट देकर सांसद चुना है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव सिर पर है और यहाँ बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सांसद धड़ल्ले से सांसद निधि को लुटाने में लगी हुई हैं, जबकि इस सांसद निधि का उपयोग क्षेत्र की जनता के लिए होना चाहिए और उन लाखों वोटरों का सांसद महोदय को ख्याल रखना चाहिए था जिनका वो संसद में प्रतिनिधित्व करती हैं। फिलहाल मामले में कलेक्टर साहब जांच की बात कर रहे हैं। सर, एक निजी संस्था के लिए सर 25 लाख स्वीकृत किए माननीय संध्या राय जी ने, सांसद भिंड दतिया ने, क्या कहना है सर आपका? इसे मैं जो शिकायत संज्ञान में आई है कि शायद पहले से बना है, ऐसा कुछ कहा गया है, तो उसकी मैं जांच कराऊंगा और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे। सर बिल्डिंग सर पहले से ही 3 मंजिला बनी हुई है सर, और उसमें जांच कराऊंगा, पृथक एजेंसी जो सरकारी एजेंसी रहेगी, एक टीम बना के जांच कराऊंगा।